लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 13। सराफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकान पर ठगे जाने का भय नहीं था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की, मुनीम जी आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज है, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस ना होता। उसकी साख का उसे अभी तक अनुभव ना हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज, गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, यह आप क्या कहते हैं सरकार, आपकी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारे दुकान पर आए। तो दिखाऊं कोई जराऊ चीज, कोई कंगन, कोई हार, अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक का। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दगल फसल नहीं है बाबू साहब, आप इसकी जरा भी चिंता ना करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं, मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू की। रमा की आंखें खुल गई, जी लोट पोट हो गया। क्या सफाई थी, नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आफताब उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपए से ज्यादा उधार ना लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता ही ना था और जेब में कुल 300 रुपए थे। सोचा, अगर यह हार ले गया और जालपा ने पसंद ना किया तो फायदा ही क्या, ऐसी चीज ले जाऊं कि वह देखते ही फर्क उठे। यह जराऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्त्र मणि रंजित नेत्रों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपए उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय तार कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपए हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब रुपए का तो जिक्र ही ना कीजिए, कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं, दुकान आपकी है, भला कोई बात है? हुक्म हो तो एक आध चीज और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी जरा वह शीश फूल दिखाना तो, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छोड़े से ना मुड़ लेना, गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूं।
गंगू, ऐसा ना कहो बाबूजी। आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए, मगर कोई 250 से कौड़ी कम दे दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया, सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई। गंगू, बाबूजी 250 रुपए तो कारीगर की सफाई के इनाम है, यह एक चीज है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें दो सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी, फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। वह इस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली। उसे मिठाइयां मीठी तो लगती है, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर से चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी, घात लग जाए तो अच्छा महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था, बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन ले, पानी की झरझर में कोई आवाज भी ना सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक इधर से आया। दो चार मिनट देर में ही पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामायिक वृष्टि ने उसी की आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेने दिखाई दी, प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाला शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में ना गया, उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने उन्हें कुछ जवाब ना दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों ना गए। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी, मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है। जैसे वह बिल्कुल भूल गई है कि रमा सराफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चलाया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जप तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सराफे का जाना तो व्यर्थ ही गया, हार कहीं तैयार ही ना था, बनाने को कह आया हूं। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पर गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्दी बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है।
जालपा मुंह फेर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कहकहा मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो, क्या लाए? रमानाथ, कैसा चकमा दिया? जालपा, यह तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की? जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई, हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ो नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज के लिए न कहूंगी, इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता है ही कितने। जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह ना कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहां कोई निधि मिल जाएगी। आकर एक बार आकाश की ओर देखा, निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी, वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से यह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था, पर इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दो दानों को नीचे गली में फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी उपन्यास गबन, भाग 13। धन्यवाद।